In this video, we are discuss about class 8 SST subject. Okay, SST subject part is history, third chapter. Okay, तो third chapter में बेटा हम first part आपको already provide करा चुके हैं. अब हम second part में देखेंगे. Second part में हम आज कहाँ से पढ़ेंगे कि how was Indigo कल्टिवेटेड, यानी अंग्रेजों का हम पढ़ रहे हैं. अंग्रेजों का हमारे भारत में कैसा शासन काल था, कंट्री साइड में, ग्रामीण में इन्होंने कैसे कैसे रूलिंग किया. उसके बाद इन्होंने, अब कॉटन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था इंडिगो यानी नील, तो नील की खेती के लिए इन्होंने कैसे किसानों को प्रेशराइज किया, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे. ओके, आप देखिए, इंडिगो से इनको पैसा बहुत ज़्यादा मिलता था, मनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इनको होता था. यहाँ से कच्चे माल पे ले जाके लंदन में बहुत महंगे रेट पे बेचते थे ये. ओके, तब आइए स्टार्ट करते हैं हमें यहाँ से पार्ट, हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड. देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन. इंडिगो कल्टिवेशन का दो मेन सिस्टम था. पहला क्या था, नीच एंड रेवती, यानी इसको रैयत भी कह सकते हैं, यानी रियायत भी कह सकते हैं, रेवती भी कह सकते हैं. ओके, तो नीच एंड रेवती. अब ये क्या है, विद इन द सिस्टम ऑफ नीच. नीच कल्टिवेशन में देखिए क्या होता था, द प्लांटर यानी जो प्लांटर था यानी किसान, प्रोड्यूस इंडिगो. ये इंडिगो कहाँ प्रोड्यूस करता था, उत्पादन करता था, लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल, जो उसके डायरेक्टली कंट्रोल में था, मतलब स्वयं अपनी जमीन थी उसकी ना. ही आइदर बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाई डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर लेबरर्स. फिर देखिए, इसके ही डायरेक्टली ही आइदर बॉट द लैंड, वह बॉट या तो लेता था जमीन या रेंट पे, इट फ्रॉम किससे, जमींदार से, एंड उसको प्रोड्यूस करता था कहाँ, डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर लेबरर्स, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से वो क्या करता था, लेबरर से करवाता था. तो ये नीच था. अब आइए देखिए, द प्रॉब्लम विथ नीच कल्टिवेशन. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, नीच कल्टिवेशन में क्या प्रॉब्लम आ गई, तो आइए देखते हैं. इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं बेटा, क्योंकि ये आ जा रहा है आपका बैकग्राउंड में. तो द प्लांटर्स, देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या थी नीच कल्टिवेशन में, कि जो प्लांटर्स थे फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर नीच कल्टिवेशन. नीच कल्टिवेशन में उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम आई प्लांटर्स को. इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टिल लैंड्स. इंडिगो केवल कहाँ पे कल्टिवेटेड होता था, यानी इंडिगो नील की खेती कहाँ पे कर सकते थे, जो उपजाऊ जमीन थी, फर्टिल या फर्टाइल थी, ठीक है. एंड दीज वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, और क्या जो पॉपुलेटेड थे यानी घनी बस्ती जहाँ पे थी वहीं पे खेती हो सकती थी. ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड, और स्मॉल प्लॉट इसके लिए चाहिए होता है, ठीक है. देखिए, प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरिया इन कम्पैक्ट ब्लॉक टू कल्टिवेट इंडिगो इन प्लांटेशन. देखिए इसमें कि ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड, जो हो सकते थे केवल उनको स्मॉल प्लॉट्स हुए, जबकि प्लांटर्स को क्या चाहिए, लार्ज एरिया चाहिए, किसके लिए, कंपैक्ट ब्लॉक्स टू कल्ट यानी खेती करने के लिए नील की. वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम, वो कहाँ से पाएंगे ये लैंड. दे अटेम्प्ट टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री. इंडिगो फैक्ट्री क्या होता था, लीज पे लेते थे एंड एवेक्ट द पीजेंट्स फ्रॉम द एरिया, ठीक है, जो कि किसानों से किया जाता था. बट दिस ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन, लेकिन उन्हें क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट यानी विरोधाभास और टेंशन झेलना पड़ा इस क्षेत्र में. अब देखें, नॉट वाज लेबर इजी टू मोबलाइज यानी लेबर इसमें इनको अच्छे से नहीं मिल पाते थे. आ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड वास्ट नंबर ऑफ हैंड टू ऑपरेट. लार्ज प्लांटेशन क्या था, उसको किसकी ज़रूरत चाहिए, वास्ट नंबर ऑफ हैंड टू ऑपरेट यानी ऑपरेट करने के लिए भी चाहिए. एंड लेबर वाज नीडेड प्रिसिसली एट अ टाइम व्हेन पीजेंट्स वर यूजली बिजी विद देयर राइस कल्टिवेशन. अब पीजेंट्स कहाँ पे बिजी था, राइस कल्टिवेशन में बिजी था, ठीक है. नीच कल्टिवेशन ऑन अ लार्ज
स्केल आल्सो रिक्वायर्ड मेनी प्लॉट्स एंड बुलॉक्स। नीच के लिए लार्ज स्केल पे खेती होती थी, इसके लिए क्या चाहिए, प्लो यानी और ब्लॉक्स यानी बैल और हल चाहिए लार्ज स्केल पे। वन बीघा ऑफ एक बीघे इंडिगो कल्टीवेशन के लिए क्या चाहिए था, टू प्लो यानी दो हल एक बीघे के लिए। दिस मीन दैट अ प्लांटर विद, इसका मतलब 1000 बीघे के लिए क्या चाहिए, 2000 ब्लॉक्स यानी दो गुने। ठीक है, तो लंबी लंबी खेती पे खेती होती थी तो ये सब चाहिए, प्रॉब्लम आएगी ना, अभी नहीं मिलेगा था। तो इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लॉट्स वाज अ बिग प्रॉब्लम, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मेंटेनेंस इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, किसका, प्लो का यानी हल का। ठीक है, प्लाउ भी इसको कहते हैं, प्लाउ भी कहते हैं आज के समय में, अब प्लाउ भी इसको कह सकते हो, प्लोस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नॉर कुड सप्लाई भी इजली, ये अच्छे से किसानों को सप्लाई नहीं हो पाता था, क्या, ब्लॉक्स और प्लाउ। वर बिजी ऑन देयर राइस फील्ड, जो कि किस में बिजी थे, राइस में, अगेन एग्जैक्टली ऑन द टाइम्स एट द टाइम दैट द इंडिगो प्लांटर्स नीडेड थे, जो कि इंडिगो प्लांटर्स को चाहिए। टिल द लेट 19th सेंचुरी देखिए, प्लांटर्स वर देयर फॉर रिलक्टेंट टू एक्सपैंड द एरिया अंडर नीच कल्टिवेशन। देखिए प्लांटर्स क्या करते थे, वर देयर फॉर रिलक्टेंट टू एक्सपैंड द नीच कल्टिवेशन के अंतर्गत खेती करते थे। अब लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वाज अंडर द सिस्टम, इस सिस्टम के अंतर्गत किसानों को कितना नुकसान हो गया, 25% लेस हो गया। द रेस्ट वाज अंडर एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ द कल्टिवेशन द रेवती सिस्टम, उसके बाद ये किसके तरफ झुकाव इनका गया, रेवती सिस्टम या रैयत सिस्टम पे। अब रैयत सिस्टम क्या था, मतलब इन्होंने नीच कल्टीवेशन को छोड़ना, ये सब बेटा क्यों होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी खेती थी तो देख रेख का अभाव, उसके बाद लेबर्स का अभाव, प्लाव का अभाव, तो सबका होता था, तो धीरे धीरे नुकसान होगा ना इसका। अब भाई इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रैयत, इंडिगो अंडर द रैयत सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द, इसमें क्या होता था, प्लांटर्स क्या करते थे, फोर्स द राइट टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, प्लांटर्स के द्वारा फोर्स तरीके से यानी ज़बरदस्ती साइन कराया जाता था किसानों से। अब क्या, एन एग्रीमेंट, किस पे, एग्रीमेंट पे, और इस एग्रीमेंट को क्या कहा जाता था, सत्ता। एट टाइम्स दे प्रेशराइज्ड द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रैयत्स, और इसमें क्या था कि उसमें जो विलेज का हेडमैन जो थे उनको प्रेशराइज किया जाता था, ठीक है, किसके लिए, खेती करने के लिए, रैयत पे। दोज हु साइंड द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांस, जो साइन करते थे उनको कैश एडवांस में दिया जाता था फ्रॉम द प्लांटर्स, किसके द्वारा, प्लांटर्स के द्वारा, यानी एक तरह से प्लांटर्स। अब यहाँ पे भूमिका ये भी हो गई कि यहाँ पे जो ठेकेदार करवाते थे हेडमैन से, ज़बरदस्ती हेडमैन से, अब ठेकेदारों का यानी जमींदार, अब वो प्लांटर्स को क्या करते थे, कैश एडवांस में देते थे, किस पे, लो रेट पे देते थे ऑफ इंट्रेंस के यानी प्रोड्यूस इंडिगो के, जो इंडिगो प्रोड्यूस होता होगा उसके लो इंटरेस्ट लो ब्याज पे प्लांटर्स क्या करते थे, कैश एडवांस में देते थे, किसको, पेजेंट्स को, किसानों को। बट द लोन कमिटेड द रैयत टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन लिस्ट ऑफ 25% द एरिया अंडर हिज होल्डिंग, लेकिन बट द लोन जो था कमिटेड द रैयत टू कल्टीवेटिंग इंडिगो, अब ये 25% क्या था, एटलीस्ट 25% तक ये था इसका, कौन, लोन, ब्याज इसका इतना हाई था। द प्लांटर्स प्रोवाइडेड द सीड एंड द ड्रिल, प्रोवाइडेड प्लांटर्स क्या करते थे, इनको सीड भी प्रोवाइड कराते थे और ड्रिल भी यानी मशीनें भी। वाइल द कल्टिवेटर्स प्रिपेयर्ड द सॉयल, जब कल्टिवेटर्स क्या करते थे यानी किसान प्रिपेयर करते थे सॉयल, सो द सीड एंड लुक्ड आफ्टर द क्रॉप, और उसको बीज को देखते थे, क्रॉप्स को देखते थे, ठीक है, देख रेख के अंडर में काम होता था रैयत में। देखिए बेटा यह नील की कटाई हो रही है,
तो देखते हैं कि हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस, देखिए कैसे इंडिगो प्रोड्यूस होता था। ठीक है, एक फैक्ट्री थी बेटा, एन इंडिगो फैक्ट्री लोकेटेड यहाँ पे है फील्ड में ऊपर, जो पेंटिंग की गई है किसके द्वारा, विलियम सिम्पसन के द्वारा। ये है वोमेन यूजली जो कैरेड प्लांट को लाती थी इधर से उधर, किसान है। देखिए, द इंडिगो विलेज वर यूजली अराउंड इंडिगो फैक्ट्री वेन ओन द प्लांटर्स। इंडिगो फैक्ट्री किसके द्वारा देखी जाती थी, प्लांटर्स के द्वारा। आफ्टर हार्वेस्ट जुताई के बाद, द इंडिगो प्लांट वॉज टेकन टू द वाट्स या वाइट्स इन द इंडिगो फैक्ट्री। द इंडिगो प्लांट वॉज टेकन टू द इंडिगो प्लांट किसके द्वारा लिया जाता था हार्वेस्ट के बाद, वैट्स में, इन द इंडिगो फैक्ट्री के वैट्स में। अ थ्री और फोर वैट्स वर नीडेड टू मैन्युफैक्चर द डाई। अब इसको डाई करने के लिए तीन या चार वैट्स चाहिए। ईच वाट या वैट, ईच वैट हैड अ सेपरेट फंक्शन, प्रत्येक वैट का एक अलग फंक्शन था। द लीव्स स्ट्रिप्ड ऑफ द इंडिगो प्लांट वर फर्स्ट सोक इन वार्म वाटर, गर्म पानी के यूज होता था, नोन एज द फर्मिंग टू स्टीपर वेट, स्टीपर वेट कहते थे। फॉर सेवरल आवर्स, घंटों के कुछ समय में, यानी घंटों में, वेन द प्लांट कुछ समय के बाद क्या होता था, प्लांट्स फर्मेंटेड हो जाता था। द लिक्विड बिगेन द बॉयल, यानी बॉयल के बाद लिक्विड स्टार्ट हो जाता था, एंड बबल, और बबल भी। एंड नाउ द रॉटन लीव वर टेकन आउट एट द लिक्विड। ठीक है, इन द सेकेंड वैट में नोन एज द विटर वैट, इसको विटर वैट के नाम से जानते थे सेकेंड को। द सॉल्यूशन वाज कॉन्टिन्यूसली स्टर्ड एंड बीटेन विथ पैडल्स व्हेन द लिक्विड ग्रेडली, धीरे धीरे लिक्विड ग्रीन और ब्लू में बदलता जाता था। यानी ये फैक्ट्री में दिखाया गया है कि कैसे कैसे कलर में चेंज होता था। ठीक है, तो टाइम वाटर वाज एडेड टू द वैट, लाइम वाटर ऐड किया जाता वैट में, धीरे धीरे इंडिगो सेपरेटेड आउट एंड फ्लैक्स में हो जाता था, धीरे धीरे ये अलग होता जाता था। तो बेटा ये बताया गया है कि नील कैसे धीरे धीरे होता था। फिर देखे हे आर यू कैन द स्टेज, यहाँ पे देखिए किसानों को भी, यहाँ पे इनको देखे। ठीक है, तो देखिए बेटा, वेन द क्रॉप्स वॉज डिलीवर, जब क्रॉप्स को, फसल को डिलीवर किया जाता था, जब फसल को डिलीवर किया जाता था, तो प्लांटर आफ्टर द हार्वेस्ट, प्लांटर क्या करता था हार्वेस्ट के बाद, अ न्यू लोन वाज गिवन टू द रैयत, एक नया लोन देता था किसको, रैयत पे। एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन, अब एक बार फिर से स्टार्ट हो, यानी कि एक बार फसल चक्र पूरा होने के बाद फिर से वही चक्र दोबारा होता था, पैसे लीजिए खेती करिए कैसे। पेजेंट्स हु आर इनिशियली टेम्प्ट बाय द लोन सून रियलाइज्ड हाउ हरास द सिस्टम वाज, पेजेंट्स ने जल्दी ही देखा कि उनको कितना नुकसान हो रहा है उनके इस पैसे का जो उन्होंने ब्याज पे लिया था। द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो, जो प्राइस था उन्होंने जो लिया था इंडिगो के लिए, दे प्रोड्यूस वॉज वेरी लो एंड द साइकिल ऑफ लोन नेवर एंडेड, कि उन्होंने ये देखा कि जो लोन के लिए उन्होंने पैसा लिया था इतना प्राइसिस लो था कि वो कभी भी उसको भर नहीं पाएंगे, यानी लोन उनका हमेशा बढ़ता जाएगा। तो कम रेट पे जब खेती होगी, कम पैसा दिया जाएगा तो यही तो होगा ना, तो धीरे धीरे अभी एंड होगा, यानी इसके लिए अब जबरदस्ती कराया जाएगा तो फिर रेबेलियन होगा, नील क्रांति होगी। ठीक है, देखिए, देयर वार अदर प्रॉब्लम टू, और अदर भी प्रॉब्लम थी। द प्लांटर्स यूजली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉयल इन विच पेजेंट्स प्रिफर टू कल्टिवेटेड राइस, जो बेस्ट सॉयल था उस पर कल्टिवेटेड क्या चाहते थे किसान, राइस की खेती करना, चावल की, जबकि उस पर ये लोग क्या चाहते थे कि इंडिगो की खेती हो। इंडिगो मोर ओवर है डीप रूट्स एडजस्ट द सॉयल रैपिडली, इंडिगो गहरे रूट्स में जाता था, यानी गहरी जड़ें। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सो द राइस, यानी नील की खेती के बाद राइस की खेती करना बहुत ही खराब हो जाता था, यानी मिट्टी बहुत ही बेकार हो जाती थी। ठीक है, तो अब इसका कारण क्या हो बेटा, जब जबरदस्ती आपसे खेती कराई जाएगी पैसे कम रेट पे, तब क्या करेंगे, विरोध करेंगे। जब विरोध करेंगे तो एक विरोध के रूप में नया आया
द ब्लू रेवेलियन एंड आफ्टर, यानी नील क्रांति और उसके बाद क्या हुआ। देखिए इन मार्च 1867 मार्च 1867 में बहुत सारे जो हजारों रैयत्स बंगाल में क्या किए, रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, उन्होंने छोड़ दिया ग्रो करना इंडिगो को। एज द रेबेलियन स्प्रेड, धीरे धीरे रेबेलियन बढ़ने लगा, रैयत रिफ्यूज टू पे रेंट टू द प्लांटर्स, रैयत ने प्लांटर्स को दे दिया रेंट पे जो था, एंड अटैक इंडिगो फैक्ट्री, और उन्होंने इंडिगो फैक्ट्री क्या किया, अटैक किया आर्म्ड विद शॉट एट स्पीयर्स, तलवार भाले से, देखिए तीर धनुष से, बरो एंड एरो से क्या किया, अटैक किया। वुमेन टर्न अप टू फाइट विद पॉट्स, वुमेन किससे लड़ाई की, पॉट से, पैन से, एंड किचन के कुछ सामानों से भी। दोज हु वर्क फॉर द प्लांटर्स वर स्पेशली बॉयकॉटेड, जो इसमें वर्क करते थे क्या किए, स्पेशली बॉयकॉट करते, यानी वो खेती नहीं करेंगे। एंड द गोमस्ताज, अब गोमस्ताज क्या थे बेटा, एजेंट्स ऑफ द प्लांटर्स, इसको क्या, एजेंट्स ऑफ द प्लांटर्स थे, ठीक है। अब हु केम टू कलेक्ट, अब गोमस्ताज किसको कहते थे, जो प्लांटर्स के एजेंट थे। हु केम टू कलेक्ट, जो आते थे रेंट को कलेक्ट करने, एंड बीटेन अप, उनको पीटा गया। रेयस सोर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांस एज सो इंडिगो नॉर बी बुलीड बाय द प्लांटर्स, ठीक है। प्लांटर्स लाठियल्स, द लाठी वेल्डिंग स्ट्रॉन्ग मेंटेन बाय द प्लांटर्स, अब लाठी जो चलाते थे उनको लाठियल्स कहा गया, यानी अब आक्रमण हो गया पूरी तरीके से कि हम खेती नहीं करेंगे, पैसा हम नहीं देंगे, नहीं दे पाएंगे। व्हाई डिड द इंडिगो पिजेंट्स डिसाइड दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट, क्यों, व्हाई डिड द इंडिगो पिजेंट, क्यों उन्होंने डिसाइड किया कि नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट, ज़्यादा दिन तक चुप रहना क्या। व्हाट गेव देम द पावर टू रिपेल, व्हाट गेव देम द पावर टू रिपेल, रिपेल करने के लिए कहाँ से शक्ति पा रहे। क्लियरली द इंडिगो सिस्टम वाज इंटेंसली ऑपरेसिव, इंडिगो सिस्टम क्या था, ऑपरेसिव था, कैसे। बट दोज हु आर अप्रेस डू नॉट ऑलवेज राइप ऑफ इन रेबेलियन, दे डू सो ओनली एट टाइम्स, ये केवल एक टाइम पे हो पाया, अन्य पे नहीं हो पाया, क्योंकि इसका कोई एक लीडर भी तो नहीं था। आइए अब देखिए, इन 1867 में इंडिगो रेयर्स ने फिर महसूस किया कि दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल जमींदार एंड विलेज मैन इन देयर रेबेलियन अगेंस्ट द प्लांटर्स, कि जो लोकल जमींदार थे और विलेज हेडमैन थे वो किसके खिलाफ थे, प्लांटर्स के खिलाफ थे, ठीक है। इन मेनी विलेज, बहुत सारे विलेज में क्या हुआ, हेडमैन हु हैड बीन फोर्स टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, उनको ज़बरदस्ती साइन कराया गया था, कराया गया इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट पे कि खेती करें, मोबिलाइज द इंडिगो पीजेंट्स, और जो किसान थे, एंड फॉट पीस बैटल्स विद द लाठियाल्स, वे लाठियाल्स के साथ, यानी लाठी के साथ क्या किए, युद्ध किए, यानी लड़ाई किए। इन अदर प्लेसेस इवन द जमींदार, अब जमींदारों क्या हुआ, वेंट अराउंड विलेज, गांव में गए, अराइजिंग अ राइट टू रिसीज द प्लांटर्स, किसके अगेंस्ट, प्लांटर्स के अगेंस्ट। देखिए दीज जमींदार्स वर अनहैप्पी, ये जमींदार भी अनहैप्पी थे, क्यों थे अनहैप्पी, कि विथ द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स, कि प्लांटर्स की इंक्रीजिंग पावर बढ़ रही थी, एंड एंग्री एट बींग फोर्स्ड बाई द प्लांटर्स टू गिव देम एन लॉन्ग लीज, लॉन्ग लीज पे उनको दिया गया था किसानों को, जो कि सही नहीं था। द इंडिगो पिजेंट्स आल्सो इमेज, ठीक है, द इंडिगो पिजेंट्स, इंडिगो किसान ने, नील के किसानों ने क्या किया, इमेजिन किया क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स, महसूस किया इंडिगो ने कि द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश सरकार थी, वुड सपोर्ट किया था किसको, उनके स्ट्रगल के अगेंस्ट कौन, प्लांटर्स को, यानी उन्होंने महसूस किया कि प्लांटर्स को कौन सपोर्ट कर रहा था, ब्रिटिश। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, पार्टिकुलरली वरी अबाउट द, चिंतित हुए किसके लिए, इस रेवोल्यूशन के लिए उन्होंने चिंतित हुए इस रेवोल्यूशन से। वेन द न्यूज स्प्रेड ऑफ सिमिली रिवोल्ट इन द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, अब देखिए इसमें क्या हुआ फिर आगे बेटा, देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा, कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कह सकते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर टॉट द रीजन इन द विंटर ऑफ 1859 में उन्होंने क्या किया, कि द रैयत सा
साथ देखा कि टू राजा साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट, जो उन्होंने यानी उनको सिंपैथी हुई, उसने सिंपैथी किया किसके लिए, किसानों के प्रति। वेन इन बरसात में क्या हुआ, द मजिस्ट्रेट एसले एड एन इशू और नोटिस स्टेटिंग दैट रेयर वुड नॉट बी कंपेयर टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो इससे नहीं थे उनको अलग कर दिया जाए, जो इससे इच्छुक नहीं थे। अवार्ड मेंट अराउंड द क्वीन विक्टोरिया, अब क्वीन विक्टोरिया ने क्या डिक्लेयर किया, यानी महारानी इंग्लैंड की महारानी ने क्या डिक्लेयर किया कि इंडिगो की आवश्यकता जो थी नॉट बी सोन, यानी जो दिखाई देती वो जरूरी नहीं है। ईडिन वाज ट्राइंग टू प्लेसेड द पीजेंट्स एंड कंट्रोल एन एक्सप्लोसिव सिचुएशन, एडेन ने किसानों को कंट्रोल किया और इस सिचुएशन को क्या किया, कंट्रोल किया, बट उसका एक्शन जो था इज रेडे सपोर्ट फॉर द रेबेलियन, लेकिन उसने क्या किया कि वो रेबेलियन के सपोर्ट में था, मतलब वो रेबेलियन के सपोर्ट में होते हुए काम किया था, दिखाने के लिए तो किया था कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन उसका रेबेलियन को सपोर्ट था, ठीक है। एज द रेबेलियन स्प्रेड, रेबेलियन बढ़ता गया, अब कैसे हुआ, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कलकत्ता रोज टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, कलकत्ता जो था जो कि एक इंडिगो डिस्ट्रिक्ट था, दे रूट ऑफ द माइजरी ऑफ द रैयत, उन्होंने क्या लिखा, माइजरी ऑफ द रैयत, माइजरी मतलब कंजूसी भी होता है, माइजरी ऑफ द रैयत, द टायरनी ऑफ द प्लांटर्स एंड द हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम, तो ये सब चीज़ें इसमें आई बेटा। अब आइए, वरीड बाय द रेबेलियन, चिंता रेबेलियन के द्वारा जो चिंतित थे, कैसे, द गवर्नमेंट ब्रॉड इन द मिलिट्री, गवर्नमेंट क्या लाई, मिलिट्री लाई किसके लिए, प्रोटेक्ट प्लांटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड सेटअप द इंडिगो कमीशन, उन्होंने इंडिगो कमीशन सेटअप किया किसके लिए, एक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो, और किसके लिए, इंडिगो प्रोडक्शन के लिए, कमीशंस हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी, कमीशन क्या किया, प्लांटर्स पे गिल्टी महसूस किया, एंड क्रिटिसाइज देम फॉर द कर्सिव मेथड्स, उन्होंने कुछ नए मेथड्स लाए, द यूज जो कि इंडिगो कल्टिवेटर्स के लिए यूज करने के लिए, इट डिक्लेयर से डिक्लेयर हुआ, क्या निर्णय लिया गया कि इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रैयत, कि इंडिगो प्रोडक्शन जो है वो रैयत के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, कमीशन ने ये कहा, द कमीशन आस्क्ड द रैयत टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, उन्होंने पूछा इस रैयत पे जो कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था या दिया गया था, बट आल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर, उन्होंने क्या किया कि दैट दे कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य में भी नील पे इसमें हो सकता है, बट अभी ये सही चीज़ नहीं है, ठीक है। अब आई वुड रैदर बेग दैन सो इंडिगो, देखिए ये कुछ कमीशंस के हैं, कुछ कमीशन बोले हैं, ठीक है। अब बेटा मैं कंप्लीट कर देना चाहता हूँ बेटा, कि आफ्टर द रिवोल्ट की क्रांति के बाद क्या हुआ, इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल, इंडिगो प्रोडक्शन बंगाल में ख़त्म हो गया, लेकिन प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन, प्लांटर्स अपना ये ऑपरेशन बिहार में ले गए, यानी बंगाल से बिहार में, विद द डिस्कवरी ऑफ किसके लिए, सिंपैथिक टाइज की जब डिस्कवरी हुई थी 19th century में, उनके बिजनेस के लिए चले गए वहाँ पर, और उसको मैनेज किया एक्सपेंड प्रोडक्शन में, ठीक है, यानी ठीक है। वेन महात्मा गांधी, जब महात्मा गांधी रिटर्न हुए साउथ अफ्रीका से, तो एक किसान बिहार परसुडेड हिम टू विजिट चंपारण, तो एक बिहार के किसान ने महात्मा गांधी से चंपारण में क्या किया, मिले, द प्लाइट ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स दे, उनका रामचंद्र शुक्ल नाम था बेटा, तो उन्होंने महात्मा गांधी से मिले इस इंडिगो के लिए, कि इंडिगो में महात्मा गांधी विजिट इन 1917 मार्क द बिगिनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स, देखिए जब महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आए थे तो बिहार के किसान रामचंद्र शुक्ल उनसे मिले महात्मा गांधी से, और उन्होंने सारी समस्याएं बताई नील पे, तो महात्मा गांधी ने 1917 में नील क्रांति की शुरुआत कर दी, ठीक है, कहाँ से, बिहार से, ओके। तो इंडिगो मेकिंग इन द वेस्ट इंडीज, इंडिगो देखिए बाद में वेस्ट इंडीज में भी मेकिंग होने लगा, यानी यहाँ के जो लोग गए थे, तो ये चीज़ें बताई गई हैं, तो इसमें बेटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वेस्ट इंडीज में
होने लगा था। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर यह कंप्लीट होता है बेटा। तो ओके, थैंक यू।